हाय फ्रेंड्स, childa.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है ब्रेड कोफ्ता। ब्रेड कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस, उबले हुए आलू, गरम मसाला, आमचूर, लाल मिर्च, नमक, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च का मिश्रण, पिसा हुआ जीरा और अनारदाने। ब्रेड कोफ्ता बनाने के लिए एक बाउल में उबले हुए आलू, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च का मिश्रण, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून अमचूर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब इसमें थोड़े अनार के दाने मिला देंगे। इस तरह हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब ब्रेड स्लाइस लेकर उसके ब्राउन किनारों को काट देंगे। यहाँ ब्रेड का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही स्टफिंग भरने में आसानी होगी। अब इसके बाद ब्रेड पर थोड़ा पानी लगा लेंगे जिससे ब्रेड थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसके बीच स्टफिंग भर देंगे और गोल लड्डू का शेप बना लेंगे। अब गरम तेल में इन ब्रेड कोफ्तों को डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इनको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हमारे ब्रेड कोफ्ते तैयार हैं। आप इनको हरी धनिया की चटनी, टमाटो सॉस या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।